दोस्तों आज हम देखेंगे 30 फीट बाई 50 फीट का हाउस प्लानिंग साउथ फेसिंग है। 30 फीट दो बेडरूम हॉल किचन प्लस पार्किंग एंड गार्डन 30 फीट बाई 50 फीट। दोस्तों अगर आपको भी कोई अलग तरीके से प्लानिंग करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट। और दोस्तों अगर आपको कोई भी ड्राइंग का PDF फाइल या तो JPG फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था 30 फीट। तो दोस्तों 30 फीट यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है, ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 30 फीट है। और दोस्तों इसका जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फीट है, यानी कि इसका जो डेप्थ है 50 फीट है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे पूरे डिटेल ड्राइंग के साथ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ से एंटर होते हैं तो पार्किंग एरिया है, जो पार्किंग एरिया की साइज है 18 फीट बाई 18.5 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 18 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 18.5 फीट है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 2 या 3 4 कार पार्क करना है विथ बाइक तो पार्किंग हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये गार्डन एरिया है। तो दोस्तों जो गार्डन एरिया उसका साइज है यहाँ पे 4 फीट है और डेप्थ है 10 फीट। अभी दोस्तों हम बात करेंगे डिटेल प्लान। जैसे कि यहाँ पे अंदर एंटर होते ही यहाँ पे लिविंग रूम और डाइनिंग रूम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम है इसका साइज है 17 फीट 3 इंच बाई 15 फीट 6 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 17 फीट 3 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट 6 इंच है। दोस्तों यहाँ पे लिविंग रूम साइड कर सकते हो और यहाँ पे नजदीक में किचन है तो यहाँ पे डाइनिंग भी साइड कर सकते हो। अभी दोस्तों बात करेंगे हम किचन एरिया जिसका साइज है 10 फीट बाई 10 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 फीट है। तो दोस्तों ये था किचन। अभी दोस्तों हम बात करेंगे कॉमन टॉयलेट जिसका साइज है 7 फीट बाई 5 फीट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 फीट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है। तो दोस्तों ये था लिविंग रूम किचन एंड द कॉमन टॉयलेट एंड पार्किंग एंड द गार्डन। दोस्तों अगर आपको भी PDF फाइल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या तो फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी हम देखेंगे स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे स्टेयरकेस दिया हुआ है जहाँ पे आप लेकर यहीं से आप ऊपर की तरह जा सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मंदिर या तो फिर स्टोर रूम वगैरह सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करेंगे दो बेडरूम। तो दोस्तों फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे है 15 फीट 6 इंच बाई 10 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 15 फीट 6 इंच है और ये वॉल से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। दोस्तों ये मास्टर बेडरूम है, इसको बालकनी भी प्रोवाइड किया हुआ है जो बैक साइड में 12 फीट बाई 4, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट है। दोस्तों अगर बालकनी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको यहाँ पे अदर टॉयलेट साइड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेकंड बेडरूम। जो सेकंड बेडरूम है उसका साइज है 12 फीट बाई 12 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर यहाँ तक 12 फीट है और ये वॉल से लेकर यहाँ तक भी 12 फीट है। ये स्क्वायर बेडरूम है। दोस्तों जब भी बेडरूम स्क्वायर होता है तो उसके इंटीरियर पार्ट में सेटिंग करने में अच्छा रहता है, जैसे कि बेड का पोजिशन, वार्डरोब है, टीवी यूनिट है, ड्रेसिंग टेबल है, वो इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यही था 30 फीट बाई 50 फीट का हाउस प्लानिंग। अगर आपको भी कोई अलग तरीके से हाउस प्लान बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या तो फिर हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको नया वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारा हाउस प्लान मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।